हाय वेलकम बैक टू माय चैनल वोएजर टेल्स। आज मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पे। यूएसबी जो चार्जर है जो अभी न्यू मॉडल्स 2023 में, तो उसके बारे में रिव्यू करने के लिए। हाँ तो सर, आपका नाम? लवकुश। लवकुश, तो मुझे आप जो अभी न्यू जो बाइक्स आ रही है रॉयल एनफील्ड कि जितने भी जो न्यू मॉडल्स VS6 के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अभी कंपनी फिटेड USB आ रहा है, करेक्ट है? तो प्रोडक्ट बता दीजिएगा और उसके बारे में डिटेल्स बताइए कि क्या है ये। ये है USB चार्जर जो कि कंपनी के थ्रू अभी मिल जा रहा है। ओके। और ये गाड़ी में VS6 में जितने भी VS6 है रॉयल एनफील्ड के, हाँ, ऑलमोस्ट आ रहे हैं। है USB पोर्ट, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं USB केबल और मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ है, राइट? यस। ओके, और ये इसमें ए डिवाइस है जो कि मोबाइल को इफेक्ट ना करे, मतलब ECU सिस्टम है। ओके, यस। और ये है उसका कनेक्टर जो वायरिंग में फिटेड होगा। ओके, और ये यहाँ पर कहीं तो सेट होता है, राइट? यस, मतलब यहाँ पर लगेगा ये वाला जो है USB, यहाँ पर नीचे की तरफ हैंडल के यहाँ पर योग के इधर ऐसा फिटेड होगा। ओके, और ये ECU कहाँ पर जाएगा? ये वाला, ये ECU अंदर के साइड में जाएगा वायरिंग के इधर। ओके, वायरिंग के यहाँ पर जाएगा। और ये कनेक्शन भी अंदर की तरफ अंदर के साइड होगा। ओके, ठीक है। न्यू वेरिएंट्स में ऑलरेडी इसका योग जो आता है वो प्रॉपर रहता है, करेक्ट है? यस। पर इसका जो योग है इसके ऊपर ये फिट नहीं हो रहा, आप बता दीजिए ना कहाँ पर है। इसमें क्या है, ये मैं आपको, इधर एक स्क्रू है, हाँ, और दूसरा स्क्रू इधर है। ओके, तो इस पर प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है। ओके, इसके लिए अपने को एक स्क्रू पे लगा के दे रहे हैं फिलहाल। अगर आपको लगाना है तो योग के साथ में चेंज करना पड़ेगा। ओके, योग चेंज करना पड़ेगा या सिंगल स्क्रू पे? पर सिंगल स्क्रू पे अगर ये फिट करते हो तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, फिट हो जाएगा? दिक्कत तो नहीं आएगी। इसमें सबसे मेन कैसा है, अगर ज़्यादा आप उसको घुमा नहीं रहे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, मतलब हैंडल विथ केयर, मतलब थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। संभाल के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, सिंगल बोल्ट पे किया इसे इंस्टॉल, एक ही बोल्ट लगा है। आप देखेंगे तो ये एक सिंगल बोल्ट है, इसी के ऊपर फिट किया है और हिल नहीं रहा है अनटिल एंड अनलेस इसको ज़्यादा फोर्स ना किया जाए। जो ये अडैप्टर वाली वायर है यहाँ से अंदर, ये आप सॉकेट बना रहे हो इसके? यस। तो मतलब जो 23 के बाद के जितने मॉडल्स हैं उसके अंदर सॉकेट आता है, उसके पहले के मॉडल्स को नहीं है, तो ये नहीं है, बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा सॉकेट लेंगे। ओके, तो अभी ये वायर कहाँ पर फिट करने वाले हो? इसका मेन है, इसका की स्विच में मेन अपने को देने का है, मेन वाला, और एक आर्थिंग देने का है, और ऐसा आपको सॉकेट लेने का है। ओके, एक सॉकेट में लगा के आप लगा सकते हैं। और जो अभी नए जो बाइक 23 के बाद के जो आ रहे हैं उसका टंकी के नीचे ही उसका कपलर दिया गया है। ओके, उसके लिए ये जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये खाली जो जिसमें नहीं दिया गया है, 2023 के पहले की जितनी भी बाइक्स है तो उनके लिए है, उसके लिए ये, ठीक है। यहाँ पर अंदर नीचे लगा दिए इसके नीचे और टाइम तक भी मार के इसको बांध दिया अंदर की तरफ, ये यहाँ पर रहेगा इसके नीचे से, ठीक है। ये हिल नहीं रहा है वैसे, और ये इसको चार्ज करना है तो इसको ओपन करके यहाँ से USB कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये चार्जर लगा रहे हैं, ऑन कर देना।